अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ टी20 सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 पहले टी20 मैच में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार की एक गलती भारी पड़ गई और आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उन अंतिम ओवर्स में कि चाहकर भी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 209 रन तक का लक्ष्य देने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार गई है। आपको दोस्तों पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे और दोनों खिलाड़ियों की अंतिम ओवर्स की गलती भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित बुमराह और शमी में कौन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। 200 मोहाली के मैदान से भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा हमें देखने को मिल रहा था। 200 मुकाबले की शुरुआत में टॉस हम भले ही ना जीते हों, लेकिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस हारकर भी सबका दिल जीत लिया था अपनी बैटिंग से। पावर प्ले के अंदर 200 रोहित और कोहली भले ही फ्लॉप हो गए थे, लेकिन केएल राहुल के 50 और सूर्य कुमार यादव के 25 गेंदों में 45 रन भारत को अच्छी खासी बढ़त दिला चुके थे। इसी बढ़त के चलते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से आगे बढ़ ही रही थी कि फिर ये भी आउट हो गए। लेकिन दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आज अकेले हार्दिक पांड्या ने 5 खिलाड़ियों के बराबर की बल्लेबाजी कर दी। दोस्तों हार्दिक पांड्या के बल्ले से 30 गेंदों में पूरे 71 रन निकले। इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि दोस्तों पांड्या ने लंबे अरसे के बाद 250 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की बैटिंग खेली थी। पांड्या की पारी से भारतीय क्रिकेट टीम को भारी भरकम ही फायदा हुआ। दोस्तों हार्दिक पांड्या की यही बल्लेबाजी भारतीय क्रिकेट टीम को फिर 200 के पार भी ले गई। 209 का टारगेट दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रखा। ऐसा लग रहा था कि जीत भारतीय क्रिकेट टीम के कदम चूम रही है, क्योंकि 209 का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए तो क्या, बल्कि विश्व की किसी भी टीम के लिए बेहद ही मुश्किल रहता है। लेकिन मोहाली का मैदान इस बात का गवाह बना कि उसमें 400 से ज्यादा रन बने, क्योंकि दोस्तों आज ऑस्ट्रेलियाई टीम न सिर्फ केवल लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी थी, बल्कि उनका मकसद भारतीय क्रिकेट टीम को चकनाचूर करके रख देने का था, और आज इन्होंने साबित भी करके दिखा दिया। दोस्तों जैसे ही बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत होती है तो पता ही नहीं चलता कि पावर प्ले में कब इस टीम के 50 से ज्यादा रन हो जाते हैं। उमेश यादव की तो जमकर धुनाई हुई थी, एक ही ओवर में 4 से 5 चौके लगे और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा। हाँ, हमें 1-2 विकेट जरूर मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम जब तक अपनी धाक बना चुकी थी, फिर पहले 10 ओवर तक 200 ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 100 रन बना चुकी थी, भारत से कई गुना आगे चल रही थी कि तभी उमेश यादव का एक ओवर आया और उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तेजी से रन बना रहे कैमरन ग्रीन का विकेट लेकर अक्षर पटेल ने 200 मुकाबले को पलट कर रख दिया था, लेकिन कौन जानता था कि मुकाबला पलटने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ ऐसे ही मुकाबले को पलटा पारी के 13वें ओवर में उमेश यादव ने। जब उमेश यादव ने एक ही ओवर में न सिर्फ सेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का विकेट लिया, बल्कि आते ही मैक्सवेल को भी पवेलियन की राह पर चलने को मजबूर कर दिया था। बैक टू बैक 2 विकेट से ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 100% कंफर्म हो चुकी है, बस मैच की जीत पर स्टैंप लगना बाकी है। लेकिन दोस्तों कौन जानता था कि पिछले साल पाकिस्तान को रुलाने वाले मैथ्यू वेड इस बार भारत की हार का काल बन जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों के मैथ्यू वेड ने कुछ वैसी ही बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और ऐसे शॉट लगा दिए अंतिम ओवर्स में जिसकी किसी ने अपने पूरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों यह कहने में बहुत अटपटा लगता है और सुनने पर तो यकीन ही नहीं होता कि 18 गेंद में 40 रन चाहिए थे, विकेट लगभग सारे जा चुके थे, तब भी मैथ्यू वेड ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों एक छोर से वेड ने मानो पूरे माहौल को अपने बल्ले के कब्जे में कैद कर लिया था। दोस्तों सबसे पहले मैथ्यू वेड ने हर्षल पटेल को पारी के 18वें ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाए। उनकी यही बल्लेबाजी इस बात की तरफ इशारा कर चुकी थी कि खतरा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जाने लगा है। और तभी भुवनेश्वर कुमार साहब आते हैं, हमारे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। इनसे उम्मीद की जाती है कि ये अंतिम ओवर्स में मुकाबले में भारत को विकेट दिलाएं, मैच जिताएं, लेकिन ये तो आए और 16 रन दे गए। बैक टू बैक 3 से 4 चौके खाए इस ओवर में और भारतीय क्रिकेट टीम की हार तो यही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि दोस्तों 6 गेंद में 2 रन चाहिए थे और जो बल्लेबाज दोस्तों पिछली 12 गेंदों के अंदर अपनी टीम के लिए 30 से ज्यादा रन लगा चुका है, उसके लिए 6 गेंदों में 2 रन कौन सी बड़ी बात है। मैथ्यू वेड ने 45 रन की धाबड़तोड़ पारी खेली और भारतीय क्रिकेट टीम को धोबी पछाड़ कर रख दिया। इस मुकाबले में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट के अंतर से जिता दिया, जो कि दर्शाता है कि भारत की गेंदबाजी वर्ल्ड कप के लिहाज से कितनी कमजोर है कि वो 209 के लक्ष्य को भी डिफेंड नहीं कर सकती। दोस्तों ये तो एक छोटा सा नमूना था, लेकिन वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा आईना दिख चुका है अपनी गेंदबाजी के रूप में। हार के जिम्मेदार जाहिर सी बात है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बने हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है
बुमराह, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार व हर्षल पटेल में कौन एक बेहतर गेंदबाज है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।